في القلب مشاعر فيها قد أشرق تارانا من محمد جنة बहुत बड़ा तबका जो है हिंदुस्तान आजाद होने के बाद पाकिस्तान जाने वाला था, तो हजरत के असरअंदाज तकरीर की वजह से इसी वजह से कहा जाता है कि हिंदुस्तान में जंगे दिन बताया गया यौम में उर्दू का दिन उर्दू डे के तौर पर आज हम मनाते हैं। सबको मालूम हुआ ना उर्दू मेरी और आपकी मादरी जबान है। कौन सी जबान है? क्या माने मादरी जबान के? पैदाइशी जो आपके घर में बोली जाती है उर्दू। स्कूल को आने से पहले आपको समझ में आती थी नहीं आती थी? बोलना आता था आपको? जो हम बोलते थे वो आपको समझ में आता था? तो वो जबान को मादरी जबान कहा जाता है जो हम अपनी माँ के गोद से सीख कर आते हैं। नहीं, अब यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं सबकी मादरी जबान कौन सी है? उर्दू है। अच्छा, पहले ये जानेंगे मैं और आप उर्दू जबान बनी कैसे। उर्दू जबान बनी कैसे? ठीक है, अच्छा भी जबान जो भी बनती ना पहले लोग क्या करते हैं? उसे बोलते हैं। क्या करते हैं? उसे बोलते हैं। पहले वो बोली बनती है। क्या बनती है? पहले लोग बोलते हैं। बोलने के बाद क्या किया जाता है? उसे लिखना शुरू किया जाता है। ठीक है, उस तरीके से कोई जुबान बनती है। उर्दू लफ्ज है ना, उर्दू ये लफ्ज किस जबान का है मालूम आपको? मालूम है? नहीं मालूम, तो मालूम कर लेंगे आज। ये तुर्की जबान।